देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फिंगर फ्राइज़। ये देखिए मैंने बनाए हैं फिंगर फ्राइज़, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं जल्दी से। हमारी आज की रेसिपी राहुल रॉय की डिमांड पे है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल के फ़न विद स्पाइसेस रख दिया है। तो मैं शिवानी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आलू लिए हैं उनको वॉश कर लिया है और उनका छिलका उतार दिया है। देखिए मैंने इनका पील ऑफ कर दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस वे में इनको कट करना है। ये देखिए इस साइज़ में इनको कट करना है, मोटा। ये जितना मोटा होगा उतना क्रिस्पी बनेगा। और मैंने बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं। ये देखिए इस तरह हमने जैसे आलू को काट रही हूँ, इस साइज में आपने काटना है। और सभी काट के फिंगर फ्राइज रेडी करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सभी फिंगर फ्राइज को कट कर लेना है। और इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे हम, और इसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करेंगे। इसी बड़े स्ट्रेनर में मैं निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ 2-3 पानी में। ये देखिए इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हम एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। ये बिल्कुल सूखे होने चाहिए। इनको हम थोड़ी देर के लिए सुखाएंगे भी, कि इस पर ज़रा भी पानी ना रहे। अब हम एक प्लेट लेंगे, जिसमें हम ये सारे पोटैटोस जो मैंने पोंछ लिए हैं, सुखा लिए, जिनको अच्छे से ड्राई कर लिया है, वो निकाल लेंगे। देखिए एक बड़े बर्तन में निकाल लिया मैंने इनको। सभी फिंगर फ्राइज को मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब हम इसमें अरारोट ऐड कर रहे हैं, जो मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है वो हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ किया है कॉर्न स्टार्च। अब इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, और जो मैंने भुना जीरा लिया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैंने इसमें 1 पिंच जो है रेड कलर यूज़ किया है। इसकी जगह आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं करना है आप लोगों ने, इसको इसी तरह से मिक्स करना है। हम रेस्टोरेंट स्टाइल पोटैटो फ्राइज बना रहे हैं, तो हम इसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, हमने इनको कच्चा ही कोट करके फ्राई करना है। ये देखिए हमने सभी फिंगर फ्राइज को कोट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए हमारे फिंगर फ्राइज में। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब हम इसे बनाने चले तभी नमक ऐड करें। एक पैन में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम अपने फिंगर फ्राइज ऐड करेंगे। ये देखिए आप जितने हैंडल कर सकते हैं उतने ही फिंगर फ्राइज ऐड करिएगा, ठीक है। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फिंगर फ्राइज है ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब हम इनको बाहर निकाल लेंगे तब ये अलग हो जाएंगे। ये देखिए पहले हमने इनको धीमी आंच पे पकाना है। जब इस स्टेज पे आ जाए तब हम आंच को तेज कर सकते हैं, और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छा कलर आया हमारे फिंगर फ्राइज में, लग रहे हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल के। हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने सारे फिंगर फ्राइज निकाल लिए और बाकी का भी फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे फिंगर फ्राइज पे। ये देखिए अलग हो चुके हैं सभी। इसको मैंने प्लेटिंग कर ली है। ये देखिए मैंने इसको चाट मसाले और हरे धनिए से गार्निश किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको मैं मोमो चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। मोमो चटनी का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के इसकी रेसिपी सीख सकते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी हमारे फिंगर फ्राइज बने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो हमारा बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।